हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु मिर्चन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे फीमेल ऐसे होते हैं ना जो अपनी ब्रेस्ट साइज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। वो चाहते हैं कि वो साइज़ को बढ़ा ले, वो दूसरे फीमेल्स को देख के आहें भरते हैं, काश मेरी भी ऐसी होती ये वो। पर क्या है ना, मैं आपको बताने वाली हूँ आज कि जिन फीमेल्स को बिग ब्रेस्ट होता है ना, तो उनमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वो क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में फेस करते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख लो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ हद तक आप ये मतलब कि ये थिंकिंग आपके दिमाग में आ जाएगी ना कि मैं जैसी हूँ, जहाँ भी हूँ, जो भी है वो ठीक है। क्योंकि उनको बहुत सारी दिक्कत होती है, बहुत सारी चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है। तो आइए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम वो अपने लाइफ में फेस करते हैं। पॉइंट नंबर वन, बैक एक। जी हाँ, जिन फीमेल्स की साइज़ थोड़ी एक्स्ट्रा लार्ज है ना, उनको धीरे धीरे बैक एक की प्रॉब्लम होती है। बैक में पेन होना, लोअर एब्डोमिन में या फिर ईस्ट साइड पे या फिर कमर के साइड पे, ऐसी जगह पे ना वो पेन महसूस करते हैं। क्योंकि बॉडी में फिर धीरे धीरे ना डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है, बॉडी इसको बैलेंस नहीं कर पाती। और बहुत बार फीमेल्स जो है ना, वो सामने की तरफ झुक जाते हैं और हमेशा ऐसे ही बैठना, उठना, खड़ा होना और चलना, ऐसे ही पोजीशन में जब वो करते हैं ना, तो उनको बैक की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। और ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कभी कभार किसी किसी फीमेल्स के लिए कि उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्या आप चाहते हो? पॉइंट नंबर टू, एक्सरसाइज इज़ वेरी पेनफुल। जी हाँ, बहुत सारे फीमेल को एक्सरसाइज का शौक होता है, वो स्किपिंग, वो जॉगिंग, ये सारी चीज़ों पे उनको पसंद है, पर वो नहीं कर पाते। और बहुत सारी फीमेल को होती है जो ज़बरदस्ती करने की कोशिश तो करते हैं, पर उनको पेन महसूस होता है, सैगिंग की प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है। और फिर तो एक्सरसाइज करने में उनको कितनी दिक्कत होती है, वो सिर्फ वही फीमेल्स जानते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, कैंसर्स एंड मैमोग्राम्स। जी हाँ, जिन फीमेल्स की ब्रेस्ट साइज़ बड़ी होती है ना, उनमें कैंसर डेवलप होने के चांसेस बहुत होते हैं। ये रिसर्च में पाया गया है, आप चाहो तो आप भी इस बारे में गूगल कर सकते हो या फिर आप अपने लोकल गायनी से भी बात कर सकते हो। उनमें कैंसर डेवलप होने के चांसेस होते हैं। नंबर फोर, और वो है क्लॉथ्स में फिट ना होना। क्योंकि जब आपकी फिगर नॉर्मल रहती है, जब वो मतलब किसी भी तरीके से कोई भी हमारी जब बॉडी शेप किसी भी तरीके से थोड़ी ज़्यादा नॉर्मल से बड़ी होती है, तो डेफिनेटली हम क्लॉथ्स में बिल्कुल भी फिट नहीं होते। क्योंकि कभी कभार लोअर पोर्शन में फिट हो जाता है तो अपर पोर्शन में नहीं होता, कभी कभार अपर पोर्शन में होता है तो लोअर पोर्शन में नहीं होता। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी पसंदीदा जितनी क्लॉथ्स है आप उसको अवॉइड करते हो या फिर आप नहीं ले पाते ड्यू टू योर ब्रेस्ट साइज। एंड पॉइंट नंबर फाइव इज अनकम्फर्टेबल स्लीप। जी हाँ, उनको सोने में बहुत बार दिक्कत होती है, बैठने में भी उनको दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत बार वो झुक जाते हैं, झुक के खड़े हो जाते हैं, झुक के बैठ जाते हैं। ये ऑटोमेटिक उनके साथ होता है क्योंकि बॉडी, क्योंकि जिनकी साइज़ बड़ी होती है उनकी हैवी भी होती है और उसको कंट्रोल करना भी होता है, तो वो झुक जाते हैं सामने की तरफ। और सोने में भी उनको बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वो फ्लैट में बिल्कुल नहीं सो पाते, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये दिक्कत तो उनको होती ही है। तो फीमेल्स, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि क्या ये ब्रेस्ट साइज मैटर करता है, तो मेरा उस वीडियो में कहने का यही मतलब था कि आपके पास जो है आप उससे में खुश रहो। और आज भी मेरी ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि बहुत सारे फीमेल हैं जो अपने आप से संतुष्ट नहीं होते, वो तरह तरह के क्रीम प्रोडक्ट्स, इंजेक्शन, ये सारी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं साइज़ को इनलार्ज करने के लिए। और बहुत बार उन्हें इनसे बहुत साइड इफ़ेक्ट मिलता है, टिश्यू ओवर ग्रोथ हो जाती है और ये उनके बॉडी में डिसबैलेंस क्रिएट करता है। हार्मोनल बैलेंस भी मतलब कि प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो जिन फीमेल्स में एक्स्ट्रा लार्ज की प्रॉब्लम होती है, उन्हें डेफिनेटली कुछ योगा है, कुछ आसन है, उसको ट्राई करना चाहिए ताकि वो अपने ब्रेस्ट साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर सके, ताकि इन सारे प्रॉब्लम से वो बच सके। और जिनमें ये प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जिनमें बिग साइज़ की प्रॉब्लम नहीं है, वो सोचे ही नहीं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें जब आप फोर्सफुली अपने बॉडी में करते हो तो डेफिनेटली वो हार्म करते ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय।